अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज मौरखा 24 अगस्त 2022 बरोज बुध। आज जो है तो हमारे आगरा शहर से ये हमारे गुड़जेब संस्था के सारे जिम्मेदार है, ये लोग आगरा से निकलते हैं पैदल और राजगढ़ जा रहे हैं। राजगढ़ ये इसलिए जा रहे हैं वहाँ पर कि हमारे शिवाजी महाराज जो बादशाह थे साल 1666 में, उस वक्त दिल्ली से वो निकले थे और राजगढ़ गए थे। तो ये रूट किसी को पता नहीं है, तो वो रूट ये लोग बताते बताते राजगढ़ जाते हैं। और इसी के साथ इनकी जो यात्रा है इसके अंदर ये लोग तलवारबाजी और लाठी बाना ये सब बताते चलते हैं पुराने बादशाह के टाइम में कि किस तरीके से यानी अपनी जान की हिफाजत की जाती थी। ये पूरा एक एक नुक्कड़ नाटक करते चल रहे हैं और बताते चल रहे हैं। और इसी के साथ यानी जो है तो हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज देते जा रहे हैं कि जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किए, वो बादशाह थे, उनकी रियाया में हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, सबको साथ लेकर चलते थे, वही पैगाम ये लोग भी बताना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही हिंदुस्तान आगे तरक्की कर सकता है और हिंदुस्तान कामयाब हो सकता है। यही इनका असल मकसद है, इसी मकसद के तहत निकले हैं। आए हम इनसे भी कुछ जानना चाहते हैं, आप भी बता सकते हैं भाई। अभी हम 17 तारीख को आगरा से निकले और आगरा से ग्वालियर, गुना, पचोर और आगे देवास, देवास से शिवपुरी, शिवपुरी से होते प्रीतमपुरी, प्रीतमपुरी से अभी इधर मालेगांव आ गए, ऐसे ही राजगढ़ चले जाएंगे हम। 29 तारीख तक राजगढ़ तक जाएंगे। मालेगांव में हिंदू मुस्लिम एकता देखी हमने इधर, सब अच्छा लगा एकदम। आते हुए सब भारत का झंडा लेके खड़े थे और हमें बहुत अच्छा और आज इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के सारे जिम्मेदारान और दीगर और भी तंजीमें और संस्था की जानिब से सत्य मालिक लोक सेवा ग्रुप, इन लोगों ने आज जो है तो तकरीबन 2 बजे से इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे और अभी तकरीबन 4 बजे ये लोग यहाँ पहुँचे और इनका प्रोग्राम हुआ भी। और सभी मालेगांव के जितने भी लोग हैं सबकी तरफ से हम इनका इस्तकबाल करते हैं और आए हुए जितने मेहमान हैं सबको जजाकअल्लाह शुक्रिया बहुत बहुत है ना। Thank you.